हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट वापस आई हूँ अजीत बिजनेस आइडियाज़ में, आप लोगों के लिए एक ऐसा आइडिया लेकर जिससे आपकी लाइफस्टाइल और इजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैनल पर आपको ऐसे आइडियाज़ के बारे में बताया जाता है और ऐसे नए नए ऐप्स के बारे में बताया जाता है जो बहुत यूज़फुल होते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। के सामने हिचकिचाते हैं या फिर आप भी बनाना चाहते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स, या फिर इंग्लिश के कारण आपको कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, आप लोगों के सामने हेजिटेट हो जाते हैं, फंबल करते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप लोगों की ये सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ और प्रोफेशनल वर्क सभी में इंग्लिश की ही इंपॉर्टेंस होती है। बड़े से लेके बड़ा और छोटे से लेके छोटा एग्जाम भी आपको इंग्लिश में ही देना पड़ता है, क्योंकि सारे पेपर्स इंग्लिश में बनते हैं और आपको इंग्लिश समझनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, इंग्लिश या फिर हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो, आपको उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है सीखने के लिए। एनवायरनमेंट का मतलब, जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स सब हिंदी में बात करते थे, तो एक हिंदी का एनवायरनमेंट बन गया जिससे हमें हिंदी आई। तो इसीलिए अगर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपके फ्रेंड्स या फिर जिससे आप बात करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, जिससे एक नया एनवायरनमेंट बन जाता है। बट फ्रेंड्स, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जिससे आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। And where? And you're from India. What city are you in? I'm from Delhi. Delhi, very nice. And are you a student or are you working? I'm a student. Ah, and in college or another level? No, I'm not a college student. I'm doing journalism. You're studying journalism. Journalism. Very nice. Okay, sir, I have a question. Go ahead. A question, that what's the difference between language and a grammar? The difference between language and grammar. Wow, what an interesting question. Language is just the words we use, the way we talk. Grammar, structure to make it clear. Yeah, it is a structure. We can make any sentence by grammar. Problem. आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपके क्लास वाले होते हैं, अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको पुरानी चीज़ें ही सिखाते रहते हैं, आपको कोई नई ट्रेंडी चीज़ें नहीं सिखाते, जैसे कि नए वर्ड। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस वाले आपको पुराना रटा हुआ ही सिखाते हैं, कुछ नया नहीं सिखाते जो कि ट्रेंड में चल रहा है, कई वर्ड्स ट्रेंड में चलते हैं, नए सेंटेंसेस जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ आपको सिखाया नहीं जाता, बस पुराना घिसा पिटा आपको सिखाया जाता है। पर जिस ऐप की मैं बात करें उसमें आपको नए नए ट्रेंडी वर्ड सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है कैम्बली ऐप। एक ऐसा ऐप है जिसे आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको कहीं बाहर क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा टीचर की क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस ऐप को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपको इस ऐप में हर कंट्री के टीचर्स लाइव मिलते हैं। आप इसे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप इसे अमेरिकन, ब्रिटिश या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जो भी एक्सेंट आप सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं फ्रेंड्स इनसे। अगर आप किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसके ज़रिए इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड करना है, इस पर साइनअप करना है, अपना आईडी पासवर्ड लगाना है और बस आपको कैम्बली ऐप को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अमेरिकन या ब्रिटिश लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पर फोकस करना है, तो आप उस कंट्री के टीचर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर ब्रिटिश लैंग्वेज सीखनी है तो मैं ब्रिटिश कंट्री के टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करती हूँ, उनके साथ वीडियो कॉल पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी, जिससे वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कि अमेरिकन लैंग्वेज सीखनी है, तो इसमें कैटेगरी का ऑप्शन होता है, आप उस कैटेगरी के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे आप किसी एक कंट्री को चूज़ कर लेते हैं, उस कंट्री के सारे टीचर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके उनसे सीख सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टीचर की आपको टीचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उनसे रेगुलरली क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो उस टीचर के बारे में और जानने के लिए आप इनकी प्रोफाइल पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, कैसे बोलते हैं, इनके पास एक
प्रोफाइल वीडियो भी होती है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस वे में सिखाते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी उस टीचर के बारे में जिससे आप सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कैम्बली ऐप को यूज़ करने का तरीका। इससे आप दुनिया भर के किसी भी अच्छे इंग्लिश टीचर के साथ कन्वर्जेशन करके, कम्युनिकेट करके अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, आपकी हेजिटेशन भी रिमूव होती है, और आप बन जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट। ओके फ्रेंड्स, कैम्बली ऐप में टीचर से बात करने के लिए आपको कैम्बली मिनट्स को परचेज करना होता है। कैम्बली मिनट्स को परचेज करने के लिए आपको गेट मोर मिनट्स के ऑप्शन पर जाना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, जिससे आपके सामने बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी पैकेज का यूज़ कर सकते हैं, और पेमेंट ऑप्शन द्वारा उस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी होगी, जिससे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं आप, या फिर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा, उस प्रोमो कोड को आप पेमेंट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि इसके लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, तो पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आपको किसी ऑडियो या फिर वीडियो के थ्रू इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही, आपको खुद एक टीचर इंग्लिश सिखाएगा, और वो भी एक वेल क्वालिफाइड टीचर, वो भी उसी कंट्री का टीचर आपको इंग्लिश सिखाएगा, या फिर जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, जो भी एक्सेंट सीखना चाहते हैं, वो एक्सेंट का टीचर आपको एक्सेंट सिखाएगा। यहाँ की तरह नहीं होता कि कोई भी आकर कोई भी स्टूडेंट को टीचर बनाकर आपको इंग्लिश सिखाई जाए, जैसे कि बाकी क्लासेस में किया जाता है। यहाँ पर आपको उसी कंट्री के टीचर से ही पढ़ाया जाएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।